हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं वेज मोमोज की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ ही चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मस्त लगता है चटनी मोमोज के साथ खाने में। पहले मैं चटनी की रेसिपी बताऊँगी, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने खौलता हुआ गर्म पानी ले लिया है, उसमें 4-5 लाल मिर्च डालेंगे, इसको नरम होने देंगे। उसके बाद ये मैंने 4-5 टमाटर को कट कर लिया है। कढ़ाई लेंगे, ऑयल डालेंगे, 6-7 कलियाँ लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद ये जो मैंने सारा टमाटर को कट किया था उसको ऐड करेंगे। सारा टमाटर को इसी तरह अच्छे से हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। उसके बाद जो मैंने पानी रखा था गरम, उसको ऐड करेंगे ऊपर से। उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। देखिए हमारा हो गया है, इसका ऊपर का छिलका अच्छे से निकल जा रहा है। उसके बाद प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा मोमोज की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। मोमोज के साथ खाने में बहुत मस्त लगता है। नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर को ग्रेट कर लिया है, सारे वेजिटेबल को मैंने ग्रेट कर लिया अच्छे से, लहसुन मिर्चा को कट कर लिया है, सारे वेजिटेबल मेरा तैयार है। उसके बाद कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, जो मैंने लहसुन मिर्चा कट किया था उसको ऐड करेंगे अच्छे से। इसको सोटे करेंगे, हमको ज़्यादा नहीं भुनना है, इसको बस सोटे ही करना है। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे, प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम सोटे कर लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से सोटे करेंगे, बस हमको सोटे ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। उसके बाद हम देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से सोटे हो गया है। उसके बाद हम गाजर ऐड करेंगे, गाजर ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे तरह से हम भून लेंगे, सोटे कर लेंगे ताकि ये इसमें कच्चापन ना रहे। अच्छे से हम सोटे करते रहेंगे, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जले ना। हाई फ्लेम पे ही इसको हम सोटे करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम पत्ता गोभी ऐड करेंगे ऊपर से ही। उसके बाद इसको भी हम मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों में अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए ये सारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। उसके बाद इसको भी हम सोटे करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये कच्चा ना रह जाए। देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सोटे हो गया है, बस इसका कच्चा पानी हमको दूर करना है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल हो गया है, इसके हम डो बना लेते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है, ऑयल डालेंगे, नमक, उसके बाद हाथों से अच्छे से मिलाकर इसका हम डो बनाएंगे। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो बनाएंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा हमें कड़ा डो नहीं बनाना है, नरम ही डो बनाना है। अच्छे से हम पानी डालते हुए डो बना लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से हम डो बना लेंगे ताकि ये ज़्यादा कड़ा ना हो, अच्छे से हम इसका डो बना लेंगे। देखिए ये हमारा बिल्कुल डो बन के एकदम तैयार। 10-15 मिनट के रख देंगे। उसके बाद ये देखिए मेरा ये ठंडा हो गया। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैंने सोया सॉस एक चम्मच डाला है। सारे को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। बस इस सारे वेजिटेबल को मिक्स प्लेट में निकाल लेंगे। लोइया कट कर लिया है, पूरी जैसा जैसा पूरी से भी इससे छोटा छोटा लोई कट करेंगे, पूरी जैसा शेप बना लेंगे इसका। पूरी बेल लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं जो स्टफिंग बनाया था सारे वेजिटेबल एक स्पून इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद प्लेट मारते हुए पीछे से अच्छे से इसको हम मोमोज बना लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल इसी तरह इसी प्रोसेस से हम नेक्स्ट मोमोज आपको बताते हैं। एक स्पून मैंने ये सारा वेजिटेबल रख दिया। उसके बाद प्लेट लगाते हुए पीछे से सारे को हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत ही मस्त लगता है खाने में। देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मोमोज बना दिया है। सारे को इसी तरह हम बना लेंगे। देखिए हम मैंने सारे को इसी तरह बना लिया है। उसके बाद जो मैंने ये छन्नी लिया है उसको ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। ऑयल लगाने के बाद कढ़ाई रखा है, 1 लीटर उसमें पानी ऐड किया है, गरम हो गया पानी मेरा। उसके बाद ऊपर से छन्नी रख कर ये सारे मोमोज रख देंगे स्टीम होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए।
ये देखिए हमारा मोमोज बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। देखिए एकदम अच्छी तरह से हो गया है, सॉफ्ट एकदम। इसको हम सर्व करेंगे, देखिए बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से मेरा मोमोज एकदम तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग नए साल पर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी और सबको पसंद आएगी आपके फैमिली में।